कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संपत्ति मुस्लिमों के बीच बांटने के बयान को गलत बयानबाजी का परिणाम बताया है। मीर ने कहा है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर झूठ फैला रहे हैं। वहीं मीर ने कहा है कि राहुल गांधी 7 मई को गुमला और चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भगत जी और कालीचरण मुंडा जी हमारे साथ उम्मीदवार मैदान में, तो उसका टेक ऑफ करते करते इसी बीच में हमारे स्टार कंपेनर, हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे जुझारू नेता माननीय राहुल गांधी जी 7 तारीख को चाईबासा मैं एक सभा करेंगे और हमारे लोहरदगा के बसिया में दूसरी जनसभा करेंगे। तो यहाँ से हमारा झारखंड का जो चुनावी अभियान है ये शुरू होगा, बाद में अगले फेजेस और अगले सीटों के लिए लगातार हमारे स्टार प्रचारक, हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और भी कई सारे साथी झारखंड में जनता से अपनी बात रखने के लिए आए हैं और झारखंड के जो इश्यूज हैं, हमें आश्चर्य हुआ कि 2 दिन से देश के प्रधानमंत्री जिस झारखंड प्रदेश में थे और उनको झारखंड ने क्या रेस्पॉन्स दिया, उसको आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हो। और प्रधानमंत्री जी ने जो वोकेबुलरी, जो भाषा, जो चीज़ें झारखंड में यहाँ पर कही, जबकि 2 टर्म उनकी पूरी हो चुकी है, 2014 में उन्होंने देश के लोगों के सामने अपनी क्या बातें रखी, 19 में क्या बातें रखी, 10 साल देश ने उनको मैंडेट दिया और 10 साल में उन्होंने डिलीवर क्या किया पूरे देश के लिए और खासकर झारखंड प्रदेश के लिए, उन चीजों का कोई भी चर्चा उनके भाषणों में नहीं सुनाई दी। फिर वही बातें, एक देश के प्रधानमंत्री जिसको 10 साल देश ने दिया हो, जो उन्होंने वो वादे कहते हैं पर हम जुमले कहते हैं, तो जुमले कहे थे उन जुमलों के ऊपर किसी भी एक जुमले पर उन्होंने एक भी टिप्पणी यहाँ झारखंड में नहीं, वो देश के युवाओं के लिए हो, झारखंड के युवाओं के लिए हो, यहाँ के आदिवासियों के लिए हो, यहाँ के गरीब लोगों के लिए हो, यहाँ के मजदूरों के लिए कुछ उन्होंने किया हो, ऐसा कुछ भी उनके भाषणों में उनके यहाँ पर अगला वोट मांगने के खातिर वो नहीं कहे, बल्कि इन्हीं 2-3 दिनों में उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी पर फिर तंज कसते हुए कांग्रेस के शहजादे, ये उनका पेट वर्ड चुनाव में रहता है और जब जनता पर डस करता है, पर प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, जिस राहुल गांधी को आप शहजादे करके देश के सामने पेश करते हो, देश जानता है, देश के 140 करोड़ जनता जानती है कि राहुल गांधी जी शहजादा नहीं है बल्कि शहीद ज्यादा है। वो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने फ्रीडम से पहले भी कुर्बानियां दी, आज़ादी हासिल करने से पहले भी उन्हें तपस्याएं की और आज़ादी के बाद भी देश को इकट्ठा और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जानों की कुर्बानी, चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वो स्वर्गीय हमारे यंग प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, उसी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो हमें फख्र है
उनका शहीद ज्यादा कहलाने पर, और ये मोदी साहब को भी होना पता होना चाहिए। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।